अब जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो इस होटल की कहानी है। इस होटल का केस क्या, यहाँ पे ठहरे हुए एक फैमिली का केस है। ये होटल हाईवे के पास है, मुंबई पुणे हाईवे। अब जो कुछ भी हुआ उसमें इस बेचारे फैमिली का कोई कसूर नहीं, वो तो यहाँ इस होटल में सिर्फ ठहरे हुए हैं। उनके बच्चे यहाँ बालकनी में खेल रहे थे। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, खेलेंगे खेलेंगे भी और शोर भी मचाएंगे, है ना। अब बच्चे शोर मचा रहे थे और पास ही में दूसरे बालकनी में एक आदमी बैठा हुआ था। वो भड़क गया, कहने लगा कि शोर बंद करो। बच्चे बुरा मान गए। अब आगे क्या हुआ पूछिए मत। वो आदमी अचानक उठा और कमरे के अंदर भागा। वो जो कमरे में गया मैं कैसे बताऊं कि क्या हुआ अब बच्चों का क्या कसूर है अगर वहां कमरे के अंदर किसी को कुछ हो जाता है। वो तो कमरे के अंदर गए नहीं थे, वो तो बाहर ही थे। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि कमरे के अंदर और कौन था। बच्चों को क्या, हमें तक पता नहीं चला कि कमरे के अंदर कौन कौन था। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। अब अगर किसी तरह से हमें यह पता चल जाता कि कमरे के अंदर कौन था तो ये केस जल्दी सॉल्व हो जाता। मगर आप खुद ही देख लीजिए कि कमरे के अंदर क्या हुआ। और हां, अगर आप किसी होटल में आइंदा कभी ठहरे तो अच्छी तरह से पूछ पाछ लेना कि बगल वाले कमरे में कौन ठहरा हुआ है। जरा पीछे हो जाओ। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। अब रस्सी मुझे दे दो। रुक, पहले मुझे 100 करने दे, फिर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अब खेलना है। ना, रुक, मुझे 100 करने दे, फिर देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे अब खेलना है। नहीं रुक, मैं देती हूँ ना। रिकी, मैं मम्मी को बोल दूंगी। हाँ, थोड़ी देर रुक जाना। नहीं नहीं, मुझे खेलना है अभी। नहीं रुक, मैं देती हूँ ना। रिकी, मैं मम्मी को बोल दूंगी। हाँ बेटा, शोर मत करो तुम लोग, प्लीज प्यार से खेलो, मैं पेपर पढ़ रहा हूँ। आप अपना काम कीजिए, हमें खेलने दीजिए। दो मिनट कोई चैन से बैठने भी नहीं देता। चल हम खेलते हैं। 55, 56, 57, 58, 59, 60। सर, ये इस होटल के मैनेजर है। सर, कहाँ डेड बॉडी दिखाई? आइए दिखाता हूँ सर। दिस वे सर। आप खड़िए, आप लोग बाजू हो जाइए। आइए सर, क्या टेरेस में? मर गया होगा, गोली सर के बाहर नहीं निकलेगा। सर, ये लोग तो कह रहे कि गोली कमरे के अंदर से चली है। सर, गोली कमरे के अंदर से चली है? हाँ सर। अच्छा, तो मतलब बहुत प्लानिंग के साथ ये मर्डर किया गया। क्या नाम है? सर, मिस्टर प्रेम, पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका से आए थे, तब से यही रहे। साउथ अफ्रीका से? जी। उनके साथ और भी कोई था?
जी नहीं, अकेले थी। ये फोन होते हुए देखा किसी ने? जी, वहां से कुछ बच्चों ने देखा सर। जी सर। कहाँ से? जी सर। अभिषेक जाके देख। अच्छा, इनसे मिलने के लिए यहाँ कोई आता था? नीचे डेस्क पे पता करना पड़ेगा सर, पर यही खुद कभी कभार बाहर जाया करते थे, किससे मिलते थे वो तो नहीं पता। Excuse me. आप लोग भी थे बच्चों के साथ में जब ये सब हुआ? नहीं सर, हम लोग तो रूम के अंदर चाय पी रहे थे। लेकिन इनके चिल्लाने की आवाज सुनी तब हम रूम से भागते हुए बाहर आए। हेलो बेटे, हाय। अच्छा मुझे बताओ, ये बालकनी वाले अंकल हैं, उनके साथ में क्या हुआ था? देखो घबराओ नहीं बेटा, हम लोग सीआईडी थे ना, सीआईडी अंकल हैं, मैं आपका फ्रेंड हूँ बेटा। क्या हुआ था मुझे बताओ। वो अंकल हमसे बात कर रहे थे, तभी उनके दरवाजे की घंटी बजी और वो दरवाजा खोलने गए। ओ, उसके पास? थोड़ी देर बाद वो अंकल अपने कमरे से गिरते हुए बाहर आ गए और ये बताओ, ये अंकल के साथ में कोई और आदमी भी था? नहीं, कोई भी नहीं था। नहीं। अच्छा गोली की कोई पटाखे की आवाज सुनाई पड़ी तुमको? नहीं सर। सर इस बात को बाहर मत बताइए सर, वरना हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। तुम्हारे होटल में एक आदमी मर गया है, हाँ? तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? लाश अभी भी यहीं पड़ी है, समझे? सर ये बच्चे कह रहे हैं कि ये आदमी कमरे से बाहर गिरा है। कमरे से? कमरे से बाहर गिरा है, तो इसका मतलब है कमरे के अंदर कोई था। अच्छा किसी ने घंटी बजाई थी तो ये प्रेम बालकनी से अंदर गया था दरवाजा खोलने के लिए। ये जिस किसने भी घंटी बजाई उसी ने ये खून किया होगा। तो अंदर चल कर देख। कोई खून का निशान, ना कोई गोली, ना बारूद। घंटी पे तो निशान होंगे ना? उन लोगों ने बताया था किसी ने घंटी बजाई थी। अभी जितने काम करो, होटल में से सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लो और इस बेल के ऊपर जो फिंगरप्रिंट है उससे मैच करके दे, पता चलेगा कौन आया था बेल बजाने के लिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सर। जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों सर? वो देखिए, क्लोज सर्किट क्या मतलब? तो बहुत अच्छी बात होगी, पता चलेगा यहाँ कौन कौन आया था, कौन कौन गया। रिकॉर्डिंग मिली? हाँ सर। जरा दिखाओ। यस सर। सुबह की रिकॉर्डिंग है? जी सर। कमरे के बाहर जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ इसमें दिखाई पड़ेगा। किसी ने बजाए? कह
कमरे के अंदर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। वही तो, कैमरा तो सिर्फ कॉरिडोर में ही है ना। पिताजी का नाम क्या? सतीश। सतीश कहाँ मिले गए? सर इस वक्त तो रेस्टोरेंट में होगा। भाई सर जी, ये सतीश कहाँ मिलेगा? सतीश ये रहा। थैंक यू सतीश, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? इतना हैरान क्यों हो रहा है मुन्ना? जहाँ पे खून होता है वहाँ पे सीआईडी आएगी ही। खून? खून? खून हुआ यहाँ पे? हाँ। ए, चलो निकलो, निकलो। ए, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सर सर, यहाँ खून के बारे में बात मत कीजिए सर, सारे कस्टमर भाग जाएंगे प्लीज। यहाँ एक खून हुआ है और अभी तक खूनी पकड़ा नहीं गया, समझा? सर प्लीज आइज साथी, हमारा बंदा चौपट हो जाएगा सर। क्या खून मैंने करवाया है? थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, खूनी इसी होटल में से कोई है। होटल में सर? आप भी हो सकते हैं। क्या? और जब तक हम लोग उस खूनी को पकड़ने लेते यहाँ इस होटल से कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? तुम गए थे ना आज सुबह कमरा नंबर 107 में? जी हाँ साहब, मैं गया था साहब। उसके बाद ही मराना वो आदमी। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहाँ सिर्फ सैंडविच लेकर गया था। सैंडविच लेके गया था? सैंडविच में गोली भी थी क्या? गोली? सैंडविच में गोली कहाँ से आएगी साहब? तो फिर वो मरा कैसे? हाँ वो जिंदा था ना जब तुम उसके कमरे में गए? जी हाँ साहब, लेकिन उसने सैंडविच लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया? सर वो कहने लगे कि सैंडविच का उन्होंने ऑर्डर ही नहीं किया था। तो फिर किसने मंगवाया था सैंडविच? रूम नंबर 106 से सैंडविच बोला था, मगर गलती से मैनेजर ने 107 सुन लिया था। रेडी विवेक, जल्दी से जाके पता करो कमरा नंबर 106 में किसी ने सैंडविच मंगवाया था या नहीं। हाँ अभिजीत। अच्छा गुड, ठीक है अभिजीत को कैमरा की रिकॉर्डिंग में कुछ मिला है। एक्सक्यूज मी अभिजीत, कोई सबूत दिख रहा है क्या? सर ऐसा लगता है कि सतीश ने फोन नहीं किया है, फुटेज में कहीं भी गन नहीं दिखी। ये देखिए। तो दिखाई नहीं पड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्री के नीचे गन छुपाई होगी और वहीं से फायर किया? पर सर अगर ट्री के नीचे से फायर करेगा तो गोली नीचे की तरफ लगेगी सर, और प्रेम को गोली लगी है यहाँ माथे पर आंख के ऊपर, तो उसके लिए तो पूरा आर्म स्ट्रेच करके हाइट से गोली चलानी पड़ेगी। सर दिस इज मिस सैंड्रा From room number 106. Hello, Miss Sandra. By any chance, did you order a club sandwich this morning? जी, मैंने मंगवाया था, पर क्या कुछ problem है sandwich खाने में? अरे, आप हिंदी बोल सकती हो? मैं तो पूरी हिंदी बोलती हूँ। अरे मैडम, पहले बताना चाहिए था ना, इंग्लिश बोलने में कितनी तकलीफ हुई, मालूम है ना आपको? Fredericks. तो मिस सैंड्रा, आपने क्लब सैंडविच ऑर्डर किया था राइट? हाँ मंगवाया था, पर बहुत देर से आया था। यही वेटर लेकर आया था, बोला कि रूम नंबर में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है कोई बात नहीं, बस इतना ही पूछना था आपसे, यू कैन गो नाउ, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मतलब सर सतीश ने खून नहीं किया, ये तो सच कह रहा है? विवेक जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता तब तक कुछ बोल नहीं सकते, अगर इसने नहीं मारा तो फिर मारा किसने? बालकनी में भी कोई नहीं था और कॉरिडोर में भी कोई दिखाई नहीं दिया। सर कहीं खूनी कमरे के अंदर तो नहीं? कमरे के अंदर कौन है वो तो कैमरे को देखेगा नहीं।
सतीश ठीक से याद करके बताओ, जब तुम सैंडविच देने वहां पे गए थे तो एग्जैक्टली क्या हुआ था? कोई और दिखा था कमरे के अंदर? सर जैसे ही मैंने उसके कमरे की बेल बजाई। क्या है? साहब आपका सैंडविच। सैंडविच? मैंने तो कोई सैंडविच नहीं मंगवाया। रूम नंबर 107 तो यही है साहब। हाँ रूम यही है, लेकिन मैंने कोई सैंडविच नहीं मंगवाया, समझे? चलो भागो यहाँ से। एक मिनट, तुम कह रहे थे कि जब तुम प्रेम से बात कर रहे थे तब तुम देख नहीं पाए कि बालकनी में कोई है या नहीं, क्योंकि पर्दा बंद था। हाँ सर। अभिजीत, लेकिन जब हम गए तब पर्दा खुला था। चलकर देखते हैं ये पर्दे का चक्कर क्या है। सर इस कमरे में कोई आदमी था जिसने प्रेम के मरने और हमारे इस कमरे में आने के बीच में ये पर्दा खोल दिया। ओहो हो हो दया, ये देखो अभिजीत। सर ये छेद तो गोली से हुआ है, आसपास जला हुआ है। हाँ चारों तरफ से गाला हुआ है, जैसे कोई गर्म गोली पर्दे को फाड़ कर चलाई। इसका मतलब गोली कमरे से नहीं चली है, प्रेम के सिर से गोली बाहर निकली नहीं है, तो गोली चलाने वाला बाहर था सर। गोली पर्दे को चीर के अंदर आई है और प्रेम की खोपड़ी में घुस गई। अभिजीत बिल्कुल सही कहा तुमने, गोली बाहर से ही आई है, पर्दे की रेशे अंदर की तरफ मुड़ी है। मतलब जब प्रेम को गोली लगी तब वो दरवाजे से बालकनी की तरफ जा रहा। मतलब जिसने गोली चलाई वो बालकनी में ही था। बच्चियां वहां उस बालकनी में खेल रही हैं। उन्होंने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा सर, सिवाय प्रेम के। तो फिर बिना किसी को दिखाई दिए किसी ने बालकनी से गोली कैसे मार दी? तो बच्चों के साथ फिर से बात करके देखते हैं। विवेक उन बच्चों को लेकर आओ और देखो जरा प्यार से, बड़े घबराए हुए। सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे अपने खेल में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास का कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे कहने का मतलब है कि एक आदमी बालकनी से लटका हुआ दिखाई नहीं पड़ा उन्हें। अरे सर मैं ये कहना चाहता था कि कोई ऐसा आदमी जो दिखाई नहीं देता है, चुपके से आता है और खून करके चला जाता है। अरे सर अच्छा बेटा ये बताओ, ये अंकल जिन्हें गोली लगी क्या उनके साथ बालकनी में कोई और था? नहीं। श्योर? क्या आपने किसी को भागते हुए देखा? नहीं, हम तो वही बालकनी में खेल रहे थे, हमने किसी को नहीं देखा। कोई बात नहीं, जाओ। थैंक यू। जब गोली बालकनी में नहीं था तो फिर उसने गोली चलाई कहाँ? सर मुझे तो लगता है कि ये काम आत्मा वित्मा का नाम मत लो फ्रेडरिक। सर आपको कैसे पता चला कि मैं आत्मा के बारे में बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। गोली जरूर वहां से चली है सर, उस हाईवे से। ये निशान देखो,
इन निशानों से लगता है कि कोई खड़ा तो था यहाँ। वही होगा गोली। मैं इसे भी आपको फोन करता हूँ। हाँ अभिजीत, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ऐसा लगता है कोई यहाँ पे खड़ा था। अच्छा अच्छा, जरा रुको। हेलो अभिजीत, क्या तुम मुझे वहां से देख सकते हो? जैसा मैं आपको बिल्कुल साफ देख सकता हूँ। मतलब अभिजीत, वहां से गोली मारी जा सकती है। अभिजीत आले, ये देखो तो गोली का शेल। गोली यहीं से चली है। वाह सर, हमें एक गोली का शेल मिला है यहाँ पे। इसका मतलब है अभिजीत, गोली वहीं से चली है। वहीं से? एक मिनट रुको। हाँ अभिजीत, जरा अपना बैट ऊपर उठाना। हाँ सर, मैं डिस्टेंस चेक करने की कोशिश करता हूँ। अभिजीत, डिस्टेंस 500 यार्ड है। 500 यार्ड? इतनी दूर से तो गोली कोई शार्प शूटर ही चला सकता। सर, गोली का शेल देख के ऐसा लगता है किसी राइफल से फायर किया गया है। गोली चली तो इसी एंगल से है, मगर गोली राइफल से चलाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? दिन दहाड़े गोली चली गई। क्या लगता है कि किसी गाड़ी वाड़ी में बैठा होगा? सर लगता है खूनी किसी ट्रक, टेम्पो या गाड़ी में बैठा होगा। अगर कोई गाड़ी हो तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा। हाँ, तुम लोग वापस आ जाओ, आसपास पता करते हैं। साहब, हाँ हाईवे के पास एक गाड़ी थी तो सही, काफी देर से खड़ी हुई थी वहाँ पर, शायद खराब हो गई हो। खराब थी गाड़ी? हाँ साहब, हाईवे यहाँ तो आए दिन गाड़ियाँ खराब होती ही रहती हैं। अच्छा, ये गाड़ी कब तक खड़ी थी? साहब यही कोई आधा पौना घंटा खड़ी रही, उसके बाद वहाँ से चली गई। चली गई? हाँ साहब। किधर गई थी ये? पूना की तरफ गई क्या? नहीं साहब, पूना की तरफ तो नहीं, वहाँ झाड़ियों की तरफ गई थी। झाड़ियों की तरफ? हाँ साहब। अरे मगर उधर रास्ता कहाँ है? इधर से कोई रास्ता बाहर जाता है क्या? हाँ साहब, रास्ता तो वहाँ कोई नहीं है, वहाँ केवल झाड़ियाँ हैं। झाड़ियाँ? मैं नहीं आऊंगा सर, उस तरफ जंगली जानवर भी हो सकते हैं सर। जाना तो पड़ेगा फ्रेडी, शायद खूनी अभी भी वही हो। ये वही गाड़ी है जिसके बारे में वो दुकान वाला कह रहा था। संभाल के निगाह, आंखें संभालो। नंबर प्लेट गायब है सर। नंबर प्लेट गायब है? हाँ सर। लंबा चक्कर है सर, इंजन में भी गड़बड़ है। हाँ सर, इंजन के ऊपर से नंबर मिटा दिया गया है, रेती से खिसक निकाला है। इंजन का नंबर भी मिटा दिया है।
जबरदस्त प्लानिंग की है सर। गाड़ी के अंदर घुसो, देखो कुछ मिलता है। जूते का निशान सर, शायद खूनी का ही है। फ्रेडरिक्स। हाँ सर। जल्दी बाहर आओ। फ्रेडरिक्स, ये देखो, ये जूते के निशान है, इनका प्लास्टर कास्ट बनवाओ। यस सर। जल्दी। जूते का निशान तो मिल गया, बस उसे ढूंढना बाकी है। हाँ, मगर हमारे पास फ्रेडरिक्स है ना, वो ढूंढ निकालेगा खूनी को। क्यों? क्यों नहीं सर। सर, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। हे भगवान, अरे फ्रेडरिक्स, मैं तो मजाक कर रहा था, इतने सीरियसली मत लेना। सर, आइडिया आखिर आइडिया होता है ना। फ्रेडरिक्स, तुम्हारी आइडिया कभी कभी दिमाग खराब कर देती है। सर, फ्रेडी का आइडिया है, अच्छा ही होगा, एक बार सुन लेते हैं। ठीक है, तुम सुन लो, मैं वहां खड़े हो जाता हूँ। एक इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर मिला है, पान सुपारी के दाग है सर इस पे। और सर ये देखिए, इस पे लिखा है होटल हाईवे किंग। होटल हाईवे किंग, वहीं पर तो खून हुआ है। होटल हाईवे किंग सर, खूनी के पास होटल का टिश्यू पेपर हो ना हो, खूनी जरूर उस होटल में से कोई है सर। हाँ, फ्रेडरिक्स। हाँ सर। प्लास्टर कास्ट तैयार है? लगभग तैयार है सर। ग्रेट। अभिजीत, होटल में जितने सारे लोग हैं उन सबके जूते इस कास्ट के साथ मैच करके देखो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अरे यार, ये तो हद हो गई, आज के बाद हम लोग कभी इस होटल में नहीं आएंगे। अरे क्या है, पहले आपने कहा कि खूनी होटल के अंदर है, फिर आपने कहा नहीं, खून होटल के बाहर से हुआ, अब आप फिर से कह रहे कि खूनी होटल के अंदर ही। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठंडा होने दो, ठंडा। मैनेजर साहब, अपना दिमाग जरा ठंडा होने दो, क्योंकि खूनी अब बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। क्योंकि खूनी तक पहुंचने की कड़ी हमें मिल गई है मैनेजर साहब। कैसी कड़ी? उसके जूतों के निशान, वो अपने जूतों के निशान मिटाना भूल गया। और अब हमारा होनहार ऑफिसर फ्रेडरिक्स अब सबके जूते चेक करेगा। यहां पे मौजूद सभी आदमी प्लीज आगे आइए जल्दी, और जितने भी स्टाफ के लोग हैं आप लोग भी आगे आइए। ओनली जेंट्स प्लीज, लाइन लगाइए आप लोग। मैं भी? जी हाँ, आप भी। Oh!
कितनी बार बोला है तुझे, तू मेरे आगे मत भागा कर। वो भाग गया सर। आपके जाएगा कहां? अब तू मेरे पीछे दौड़ना चल। जूते दिखा आपने दरोड़ा, यही है, किसी ने प्रेम पे गोली चलाई। कहाँ जा रहा है? सर गिर गया। होटल में काम करने वाले ने हमारे ही गेस्ट को मार दिया। सर, मैंने कभी पहले ऐसा सुना भी नहीं था। सर, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि खूनी आपके इसी होटल में से ही कोई है। पर उसकी नौकरी पक्की नहीं थी सर, वो तो टेम्पररी था, एक मामूली ड्राइवर। मामूली ड्राइवर, शार्प शूटर था वो, शार्प शूटर समझते हो। पैसे लेके खून किया था उसने। क्या नाम क्या था इसका? कैलाश। सर, इसने फोन करने के लिए नौकरी की होगी। सर, उसकी जेब से कुछ चीजें मिली, ये टूटा हुआ मोबाइल और ये 50,000 रुपए। मामूली ड्राइवर की जेब में 50,000 रुपए, ये प्रेम के खून करने की कीमत है, समझे? सर, इस टूटे हुए मोबाइल के साथ साथ ये सिम कार्ड भी टूटा हुआ है। सर, मेरी वाइफ हमेशा कहती है सिम कार्ड को कभी फेंकना नहीं चाहिए, भले टूटा हुआ ही क्यों ना हो, उसे किसी दूसरे मोबाइल में डाल के देखना चाहिए। देख, इससे पहले कि ये गुलाम है वाइफ सिम कार्ड के बारे में कुछ और बोले, जल्दी से इसे सेलफोन में डालकर देखो। यस सर। दया, जल्दी करो इससे पहले कि ये कुछ और बोले। हाँ हाँ सर, करो सर। ये गुलाम वाइफ क्या होता है? गुलाम वाइफ का मतलब पत्नी का चमचा। हो गया सर, जिंदा है, चल रहा है। वाह फ्रेडरिक्स, तुम्हारी वाइफ ने तो बिल्कुल सही बताया। देखो जरा किस किस का फोन आया। सर, 8:15 आज सुबह ये कॉल आया। 8:15? और 8:15 तो खून हुआ था। इसका मतलब है किसी ने कैलाश को फोन करके गोली चलाने को कहा। पर ये नंबर क्या है? 7898528 क्या? आपको मालूम है क्या ये किसका नंबर है? नंबर किसका ये? तो ये हमारी होटल का नंबर है। इसका मतलब है कैलाश को किसी ने होटल से ही फोन किया था प्रेम के मरने से ठीक पहले। यानी कि सर, इस खून की प्लानिंग इसी होटल में से ही हुई है सर। क्यों मैनेजर साहब, अब क्या बोलना है आपको? क्या बोल सर अब? क्यों, जैसे ही पता चला कि तुम्हारे होटल से ही फोन था, अब बोलती बंद होगी? किसने किया ये फोन?
हम किसी तरह से ये पता कर सकते हैं कि ये फोन कॉल किस कमरे से किया है? जी नहीं सर। सर लगता है होटल के काफी लोग मिले हुए हैं। सर प्रेम पे गोली चलने के ठीक पहले फोन किया गया था। इसका मतलब कोई खूनी को बता रहा था कि तैयार हो जाओ, प्रेम बालकनी में आने वाला है। प्रेम के कमरे में प्रेम के अलावा दूसरा कोई था नहीं, तो फोन करने वाले को कैसे पता चला कि प्रेम बालकनी में आने वाला है? वही तो। और जिसने भी प्रेम को देखा उसे दिखा कैसे? क्या उसकी आंखों में एक्सरे लगा हुआ था जो दीवार के आर पार देख सके? कुछ तो गड़बड़ है। मैनेजर साहब, कौन कौन से कमरे जहां से हाईवे दिखता है? सर 105, 106, 107, 108। ओ, तो ये बात है। क्या हुआ सर? अभिजीत, कोई एक आदमी है जिसे पता लग गया था कि प्रेम बालकनी में कब आने वाला है और उसने गोली चलाने वाले को फोन कर दिया। सर्विस का मैनेजर कौन है? हाँ सर, मैं ही हूँ, पर बात क्या है? खाने पीने का ऑर्डर वगैरह तू भी लेते हो ना? जी सर, मैं ही लेता हूँ। कैसे लेते हो ऑर्डर? क्या मतलब? अरे मतलब कैसे लेते हो, क्या तरीका क्या है ऑर्डर लेने का? कुछ नहीं साहब, कस्टमर्स के फोन आते हैं, मैं उनके ऑर्डर्स इस रजिस्टर में लिख लेता हूँ। ठीक से लिखते हो ना? हाँ साहब। तो फिर आज सुबह सैंडविच का ऑर्डर गलत कमरे में कैसे पहुंच गया? गलत कमरे में? हाँ, 107 नंबर में सैंडविच भेज दिया था ना, जबकि उसने मंगाया नहीं था। नहीं साहब, कुछ गलत नहीं था, वो सैंडविच का ऑर्डर रूम नंबर 107 के लिए ही था, ये देखिए। अगर उसने सैंडविच मंगाया नहीं था, तुमसे कोई गलती भी तो हो सकती है ना? सर मुझसे 5 साल में ऐसी कोई गलती नहीं हुई, तो आज कैसे हो जाएगी? मुझे फोन आया था और बताया गया था कि सैंडविच का ऑर्डर रूम नंबर 107 के लिए चाहिए। फोन किसने किया था, कौन से कमरे में से आया था? रूम नंबर 106। कमरा नंबर 106 वाले ने फोन करके कमरा नंबर 107 बताया? बिल्कुल साहब, अब कस्टमर है ना, उनसे झगड़ा भी तो नहीं किया जा सकता सर। 106 वाले ने 107 वाले को सैंडविच भेजा, इसका मतलब है जो भी कोई था वो चाहता था कि प्रेम जाकर अपने कमरे का दरवाजा खोले और जब वो वापस बालकनी में जाए तो अच्छा मौका मिले निशाना लगाने का। पर सर, कमरा नंबर 106 में तो वो है। देखिए मैडम, हमें सीआईडी ने कहा है जब तक ये मर्डर केस सॉल्व नहीं हो जाता आप ये होटल छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे पता है, मैं खुद सीआईडी की मदद करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मेरा वीजा कल खत्म हो रहा है। क्या, आपका वीजा खत्म हो रहा है? हाँ, मुझे कल ही इंडिया छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। आप चिंता मत करो मैडम, पुलिस को हम लोग संभाल लेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझी नहीं। लेडी, इन्हें तो हिंदी समझ में आती थी ना, फिर ये समझ क्यों नहीं पा रही है कि जेल में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती? जेल? चलो कोई बात नहीं, टेंशन में शायद हिंदी भूल गई होगी। रेडी, जरा इन्हें समझाना अंग्रेजी में। मैडम, नो वरी, नो वीजा, नो जेल, सॉरी, जेल वीजा, वीजा बट जेल। वो क्या था सर, जेल बट नो वीजा या वीजा बट नो जेल, जेल वीजा, वीजा जेल? अरे 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 फ्रेडरिक, क्यों डरा रहे हो बेचारी को? सैंड्रा, घबराओ मत, हम तुम्हें ज्यादा दिन जेल में नहीं रखेंगे। अच्छा? हाँ, बस फांसी लगने तक। मैंने फोन किया प्रेम का। क्यों, क्या दुश्मनी थी तुम्हारे प्रेम के साथ? प्रेम साउथ अफ्रीका मेरे हस्बैंड का बिजनेस पार्टनर था। मेरे हस्बैंड के मरने के बाद मैंने सारा बिजनेस प्रेम को भेज दिया और प्रेम इंडिया आ गया। फिर? लेकिन इंडिया आने के बाद प्रेम ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करने लगा था? क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया है मैंने ही अपना हस्बैंड का खून किया है। तुमने दो दो खून किए हैं। पर हस्बैंड का खून किया क्यों? क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी।
की मतलब लो। सर ये ज्यादातर खून या तो पैसों के लिए होते हैं या फिर लव के लिए होते हैं। लव, ये लव करने वाले यही तो नहीं जानते कि प्यार जिंदगी जीने में है, मरने और मारने में नहीं। अरे सर आपको तो सब मालूम है। फिर मैं इंडिया गई और प्रेम को बुलाया इस होटल में पैसे देने के बहाने। और पैसे की जगह उसे गोली मिली। मिस सैंडरा बहुत ही खुश नसीब हैं आप। सर वो कैसे? दो दो जेल की सैर जो करने मिलेगी, पहले इंडिया में फिर साउथ अफ्रीका।